गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी स्टार्ट द चैप्टर द मुगल एम्पायर। हमने ये कर लिया था यहाँ तक। तो हमने क्या देखा कि कैसे मुगल्स ने दिल्ली पे रूल किया, कैसे बाबर, हुमायूं, इस तरह से औरंगजेब तक जो है वो हमने स्टडी किया था। उसके बाद भी एक दो रूलर्स हुए थे, बट वो इतने मतलब पावरफुल नहीं थे, तो उनके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा जाता। तो नेक्स्ट आते हैं मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। जो अकबर का रूल था वो बेस्ट रूल माना जाता है मुगल्स में। मतलब अकबर ने अपने हर डायमेंशन की तरफ, हर एंगल की तरफ अच्छे से ध्यान दिया था, तो इसलिए अकबर का जो रियन है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा था। तो मनसबदार्स एंड जागीरदार्स ये कौन थे? मनसबदार्स वो इंडिविजुअल थे जो मनसब होल्ड करते थे। मनसब मीन्स एक रैंक या फिर एक पोजीशन है। तो अकबर के राज में जो लोग थे, मतलब जो थोड़े से ऑफिशियल्स थे, जो हाई रैंक पे थे, उनको मनसबदार बोला जाता था और रैंक को मनसब बोला जाता था। तो ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था कि जिसका जितना रैंक ऊपर होगा उसकी उतनी ही सैलरी होगी, उतनी ही उसके पास मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो इस तरह से जो है ज़्यादा हायर लेवल का मनसबदार जो है वो उसके बाद हायर अथॉरिटी होती थी। तो रैंक जो सैलरीज हैं वो डिटरमिन की जाती थी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, जिसको बोलते थे जाट। तो जाट जो है उससे जो उसका रैंक और सैलरी जो है वो डिटरमिन होती थी। तो जितना ज़्यादा जो है जाट होता था, उतनी ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस उसकी पोजीशन और लार्जर उसकी सैलरी होती थी। तो मनसबदार्स के पास जो है वो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो मेंटेन करते थे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स और कैवेलरीमैन्स, मतलब कि इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। तो मनसबदार जो है ये अपना एक कैवेलरीमैन भी ब्रॉट करते थे और उनको रजिस्टर करवा लेते थे। उनके हॉर्सेस जो हैं वो ब्रांडेड होते थे और जो है वो मनी रिसीव करते थे एज अ सैलरी। तो इस तरह से उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलते थे। तो मनसबदार जो हैं वो ये अपनी सैलरी जो वो रिसीव करते थे क्योंकि उनको जागीर्स दी जाती थी। जागीर्स क्या है? जागीर मान लो एक प्रॉपर्टी है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मनसबदार के ऊपर होती थी कि इस एरिया में आपको टैक्स कलेक्ट करना है। मतलब मनसबदार खुद टैक्स कलेक्शन नहीं करता था, उसके द्वारा टैक्स कलेक्शन कराई जाती थी, लेकिन उसी टैक्स में से वो कुछ अमाउंट अपने लिए रख लेता था जिससे उसकी सैलरी रिसीव हो जाती थी उसको। तो मुक्तीस में ऐसा नहीं था। मुक्तीस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो मुक्तीस में ऐसा नहीं था। मोस्ट मनसबदार जो हैं वो डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। वो एक्चुअली वहाँ खुद नहीं रहते थे और ना ही एडमिनिस्टर करते थे जागीर्स को। उनके द्वारा हायर किए गए अदर पीपल जो होते थे, जो अदर उन्होंने हायर किए होते थे लोग, वो जो हैं वो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। तो उसके बाद आता है कि अकबर के राज में जो है जागीर्स को बहुत केयरफुली असेस किया जाता था, उनके रेवेन्यू को, उनकी मनसबदार की सैलरी को, ये सब जो है वो बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्टर किया जाता था। लेकिन औरंगजेब का राज आते आते ये सिस्टम बहुत ही ख़राब हो गया था। मतलब औरंगजेब तक आते आते इतने ज़्यादा मनसबदार हो गए थे कि उनको जागीर ही नहीं मिल पाती थी। मतलब कि जागीर कम थी क्योंकि लैंड तो देखो उतनी ही रहेगी ना, थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड तो किया ही था, बट फिर भी लैंड उतनी नहीं थी, मनसबदार बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए बहुत सारे मनसबदार को बहुत देर वेट करनी पड़ती थी जागीर के लिए। और जिस भी मनसबदार को जागीर दी जाती थी तो वो कोशिश करता था कि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन वहाँ से कर ले, क्योंकि पता नहीं कब उसकी जागीर जो है वो छीन ली जाए। तो इस तरह से औरंगजेब इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया, जबकि अकबर ने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल की थी ये सब चीज़ें, लेकिन औरंगजेब नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट जो है वो आता है जब्त और ज़मींदार। अब ये जब्त क्या होता है? तो जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम मुगल एम्परर्स का टैक्स ही था, पीजेंट से टैक्स लेना, ठीक है। तो ज़्यादातर प्लेसेस में जो है पीजेंट्स टैक्स पे करते थे रूरल एलीट्स की थ्रू। रूरल एलीट्स मतलब या तो लोकल हेडमैन होता था कोई, या फिर चीफ्टियन होता था। मतलब कि अब देखो एक टॉप अथॉरिटी है, वो कभी भी जाके लोकल पीपल से डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, उनके बीच में एक मिडल मैन रहते हैं जो लोगों में से ही एक हेड होता है। मतलब सबसे नीचे के लेवल के जो लोग हैं, जैसे पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स के ऊपर एक हायर, थोड़ी सी हायर अथॉरिटी होएगी जो अपने ऊपर और हायर अथॉरिटी से डील कराएगी। मतलब सबसे टॉप अथॉरिटी सबसे लोअर अथॉरिटी से डायरेक्टली डील नहीं करेगी।
तो इस तरह से हेडमैन होते थे गांव में या फिर लोकल चीफ्टियन होते थे, तो ये लोग जो है वो टैक्स कलेक्शन करते थे। तो मुगल्स ने कहा कि चाहे कोई भी हो, हेडमैन हो, लोकल चीफ्टियन हो, हम उनके लिए एक ही टर्म यूज़ करेंगे, वो टर्म क्या है, ज़मींदार। मतलब हम सबको ज़मींदार बोलेंगे जो भी हमें टैक्स कलेक्शन में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से अकबर के जो राज में टोडरमल, उसका आप कह सकते हो कि CA था, एक तरह से अकाउंटेंट था, तो ये बहुत ही बढ़िया काम था अकबर के टाइम पे कि वो लोग अपने सारे फार्म्स का सर्वे करते थे, अपनी क्रॉप यील्ड्स कितनी हैं, मतलब उनके खेत से कितनी फसल पैदा हो रही है, उसके प्राइसेस क्या हैं, एरिया अंडर कल्टीवेशन क्या है। तो उन्होंने पूरा सेंसस बनाया था 1570 से 1580 तक का। तो इस डेटा के बेस पे ये डेटा बहुत ही अच्छे से केयरफुली कलेक्ट किया गया था, और इस डेटा के बेस पे टैक्स का जो है वो मतलब टैक्स डिसाइड किया जाता था कि किस लैंड पे कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हर प्रोविंस जो है डिवाइड कर दी थी रेवेन्यू सर्कल्स में, और फिर उनके बाद इंडिविजुअल क्रॉप्स में उन टैक्सेस को डिवाइड कर दिया था, और इस सारे सिस्टम को, इस सारे रेवेन्यू सिस्टम को बोला जाता था जब्त, ठीक है। तो ये जो है इन एरियाज़ में प्रिवेल करता था, तो लेकिन गुजरात और बंगाल के कुछ एरिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, बाकी सब मोस्टली सब एरियाज़ में जो है ये सिस्टम था। उसके बाद आता है अकबरनामा एंड आइन ए अकबरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अकबरनामा क्या है और आइन ए अकबरी क्या है। अकबर का एक फ्रेंड कह लीजिए या फिर उसका एक दरबारी था अब्दुल फजल, तो अब्दुल फजल जो है उसका अकबर का एक दरबारी था, तो उसने अकबर के ऊपर एक बुक लिखी, उसके 3 वॉल्यूम्स थे। फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो अकबर के बारे में, उसके एंसेस्टर्स के, तैमूर ये सब जो है उसके एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया। सेकंड वॉल्यूम जो था वो अकबर के राज के बारे में बताता है, और थर्ड वॉल्यूम जो है वो आइने अकबरी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। तो ये उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइने अकबरी में क्या बताया गया है कि उसकी अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हाउस होल्ड कैसा था, आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू कैसे होता था, और उसके एम्पायर का ज्योग्राफी कैसा था, और ये बहुत सारी डिटेल्स जो है वो हमें बताता है। और इसने बहुत सारा ट्रेडिशन कल्चर कैसा था, लोग कैसे रहते थे, तो बहुत सारा मतलब स्टैटिस्टिकल डिटेल्स भी हैं आइन ए अकबरी में। तो इस तरह से कैसे उनके क्रॉप्स प्रोड्यूस होते थे, कितने डाइवर्स थे, यील्ड्स कैसी थी, प्राइसेस कैसे थे, वेजेस एंड रेवेन्यूज ये सब कैसे थे, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें आइन ए अकबरी में पता चलती हैं। तो नेक्स्ट आता है कि अकबर की पॉलिसीज़ कैसी थी, ये हम देखते हैं। तो वैसे तो आइन ए अकबरी जो कि अब्दुल फजल ने लिखी है उसमें बहुत ही एलैबोरेटली डिस्कस किया गया है। तो उसने क्या कहा है कि उसने अपनी बुक में ये एक्सप्लेन किया है कि सारा एम्पायर जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको सूबास बोला जाता था, और सूबास को गवर्न करने वाला मतलब संभालने वाला सूबेदार होता था। तो इसके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन दोनों ही होते थे, मतलब उस एरिया में जो भी मिलिट्री ऑपरेट कर रही है वो भी इसके अंडर है, और जो भी पॉलिटिक्स है वो भी इसके अंडर है। तो हर प्रोविंस जो है उसका एक फाइनेंशियल ऑफिसर होगा जिसको दीवान बोला जाएगा, और पीस एंड ऑर्डर के लिए मतलब दीवान जो है होगा, और वो पीस एंड ऑर्डर भी देखेगा उस प्रोविंस का, और सूबेदार के साथ कुछ और ऑफिसर्स भी होंगे, जैसे मिलिट्री पे मास्टर जो है जिसको बख्शी बोला जाएगा, और बख्शी, और द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज इसको सदर बोला जाएगा, मिलिट्री कमांडर को फौजदार बोला जाएगा, और टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल बोला जाएगा। तो इस तरह से जो है वो इसके सारे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हैं ये उनके नाम हैं। उसके बाद आता है कि नूर जहाँ का इन्फ्लुएंस कैसा था जहांगीर की कोर्ट में। नूर जहाँ काफ़ी लॉयल रानी रही है, जहांगीर की वाइफ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जहांगीर बहुत रिस्पेक्ट करता था नूर जहाँ की। तो इवन उसने काफ़ी सारे क्वाइंस भी जो हैं अपनी क्वीन बेगम नूर जहाँ के नाम से जो है, मैरूनिसा इसका निकनेम था, तो इसके नाम से चलाए थे। बाकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हैं, हम देख लेते हैं क्या है डोगमा और बायगोट। डोगमा का क्या मतलब होता है? डोगमा मीन्स कि जैसे कोई अथॉरिटेटिव डिसीज़न है कि आपको मानना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं डोगमा। बायगोट क्या होता है कि जब कोई किसी दूसरे के रिलीजन को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता कि भाई हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है, तुम्हारा रिलीजन नहीं है, तो इसको बायगोट बोल देते हैं।
तो हम आगे बात करेंगे कि रिलीजियस सिस्टम कैसा था अकबर के टाइम का। तो अकबर जो है वो बहुत सारी लार्ज आर्मीज़ थी उसके पास, बहुत सारा टैक्स कलेक्शन था, रेवेन्यू था, ये सब कुछ था, तो उसको बहुत एफिशिएंटली वो ऑपरेट करता था, सब काम करता था। तो उसके बाद जो है अकबर ने ये सोचा कि हम रिलीजन के ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशंस होनी चाहिए, मतलब हर धर्म के बंदे के बारे में हमें सुनना है कि उनके क्या विचार हैं। तो अकबर का इबादत खाना था, इबादत खाना मतलब वो जगह जहाँ पे वो बैठ के रिलीजियस मीटिंग्स करता था। तो उसने अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाया, उलामा, ब्राह्मण, जीसस प्रीस्ट, रोमन कैथलिक्स, तो जोरोस्ट्रियंस, तो इन सबको बुला के उसने मीटिंग की। तो वो जानना चाहता था कि अलग अलग धर्मों के लोगों के कैसे कस्टम्स हैं, ये सब कुछ। तो उसने मतलब उसने ऐसा ये सोचा कि हमें जो है एक बहुत पीसफुल रियन चलाना है, राज चलाना है, जिसमें हर धर्म के लोग जो हैं वो खुशी से रहें, सुख से रहें, और हम सब मिलजुल के रहें। तो ऐसा अकबर का मानना था। तो अकबर ने जो है वो एक आइडिया दिया जिसका नाम था सुलह कुल। सुलह कुल मतलब इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल पीस। तो उसने कहा कि हर जगह शांति होनी चाहिए, लोग मिलजुल कर रहें, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से अकबर की सोच, उसका राज बहुत अच्छे से चल रहा था। जहांगीर जो कि अकबर का सन था, उसने भी सिले कुल नाम की पॉलिसी जो है वो अपने अडॉप्ट करी अपने राज में, अपने फादर से जो सीखा था उसने, तो यूनिवर्सल पीस उसने भी फॉलो करा। लेकिन उसके आगे के जो राजा थे वो ज़्यादा अच्छे से उसको फॉलो नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट आता है मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी में कैसा था। मतलब अभी तक हम जो देख रहे हैं कि काफ़ी पीसफुल राज चल रहा था, मतलब लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचा जा रहा था, लेकिन 17th सेंचुरी आते आते जो है वो इनका रूल कैसा हो गया था। तो अब ये जो है, अब कैसा था ये हमें कौन बताएगा, जो भी फॉरेन के ट्रेवलर्स आते थे मुगल राज में घूमने आते थे, तो वो लोग जो यहाँ पे चीज़ें देखते थे वो अपनी बुक्स में लिखते थे, तो वहीं से हमें पता चलता है कि कैसा था इनका रूल। ठीक है, तो उन्होंने ट्रेवलर्स का जो लिखा हुआ है वहीं से हमें ये सारे जो है रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि उस टाइम पे कैसा राज होता होगा। तो इनइक्वेलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी 17th सेंचुरी आते आते। देखो यहाँ तक तो हमने देखा कि हर तरह से बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था सारा एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ आते आते 17th सेंचुरी में आते आते जो है बहुत ज़्यादा इनइक्वेलिटीज़ बढ़ गई थी। मीन्स मनसबदार्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, टोटल 8,000 मनसबदार्स थे, जिसमें से ओनली 5% मतलब कुछ अराउंड 445 जो है ये हायर पोस्ट के मनसबदार थे, मतलब हायर बिल्कुल ऊंचे वाली पोस्ट के। तो इनको 61.5% तक जो रेवेन्यू है ये सिर्फ 5% लोग ले जाते थे, मतलब बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचता था ज़्यादा। तो इस तरह से इनइक्वेलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब अमीर बहुत अमीर था, गरीब बहुत गरीब था। तो ये 17th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो मुगल एम्परर्स और उनके मनसबदार जो हैं वो अपनी मतलब स्पेंड करते थे अपनी सैलरी, अपनी गुड्स के ऊपर, कोई भी सामान खरीदने में। तो इनका जो है मतलब जो गरीब लोग थे उनके लिए कुछ भी नहीं बचता था, वो हैंड टू माउथ थे, मतलब दो टाइम का खाना भी उनके लिए दैट वाज अ बिग डील। तो इस तरह से इनइक्वेलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट आता है कि इन्होंने जो है मुगल एम्परर जो है वो स्लोली डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। इन जैसे पहले होल्ड था मुगल्स का 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी आते आते उतना होल्ड नहीं था। बहुत सारी नई डायनेस्टीज़ बननी शुरू हो गई थी, हैदराबाद, अवध, ये कुछ मतलब नई डायनेस्टीज़ बन गई थी। तो इस तरह से इनका होल्ड जो है वो कम होता गया। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इसीलिए मुगल्स को हरा पाए या फिर इनको ओवरटेक थोड़ा सा कर पाए, क्योंकि ये लोग खुद वीक हो गए थे। मतलब जितना पहले वो स्ट्रांगली रूल कर रहे थे, अब खुद से ही वो वीक थे। तो इस तरह से जब कोई भी वीक होगा तो दूसरा उसको ओवरटेक कर ही लेगा। तो यही था ये चैप्टर। ठीक है, होप आप सबको समझ आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।